पता है। ये देखो किस तरह कर रहे हैं। वाओ यार, ये लो आपकी पुल की बात। सही है, थैंक यू यार। ओके, आपके पास वो आखिरी आइटम था ना, अगर आपका वो आइटम अभी दिखा दूंगा। पी रहे थे तो उसके बाद हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया था, और जिसकी वजह से ना हम जो है ना काफ़ी परेशान हो गए थे, और इस परेशानी के आलम में ना गाइस अभी हम जो है ना खाना खा के बाहर निकले, और यहाँ पर स्टोर से गए। यहाँ पर पता नहीं मटका फ्राइज मिल रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है मटका फ्राइज और सामने मटके रखे हुए। तो आगे भी जो है कुछ स्टोर से गए, मैंने यहाँ पर देख ली मटका चाय, ये क्या है, ये वॉफल्स है भाई, यहाँ वॉफल्स मिल रहे। तो गाइस यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे शूज़ जो है ना सेल कर रहे हैं, और ये बच्चों के खूसे कितने प्यारे हैं अंकल, ये ओरिजिनल है ना, बच्चों के जो है ना कितने क्यूट से प्यारे से जो है ना मिल रहे हैं। ये देखें कितना प्यारा है, ये गोल्डन कलर का है, बहुत ही प्यारा लग रहा है गाइस। और इसके अलावा ये है सबसे बड़ा साइज़, यही है 6 नंबर। हाँ भाई सबसे बड़ा साइज़ ये 6 नंबर। हाँ अच्छा, ये कितने साल के बच्चों का है? 4 साल, मैक्सिमम 4 साल के बच्चों का है। और गाइस ये भी कुछ साइज लग रहे हैं, और कितने प्यारे हैं क्यूट से, ये देखें गाइस, ये भी डिज़ाइन काफ़ी प्यारे हैं और क्यूट से। तो गाइस सड़क के उस पार जो ना गोलगप्पे भी मिल रहे हैं, और इसके अलावा चस्का पार्टी में क्या मिले भाई, वहाँ पर चाय मिली भाई, चाय पी कर जाओ। अच्छा भाई आए थे आपके पास चाय पीने, पीनी है वहाँ से चाय, या आगे भी स्टॉल है वो सामने जो है वो मटका चाय, वो देखो वो लिखा हुआ है मटका चाय, वहाँ चलें या यहाँ चलना है बताओ आप, कहाँ से पीनी है, आगे से या सामने से, दोनों ही अच्छी होंगी। चलो अभी नज़दीक ये वाली ना, तो यहाँ चलते हैं, वो भी कह भी रहे हैं चाय पी कर जाओ, तो वहाँ चलते हैं। गाइस यहाँ पर भी जो है मटका चाय मिल रही है, मटका चाय दो ले आओ यार, ये सामने गाइस मटके रखे हुए हैं, और क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पर पूरी लाइन लिखी है आए हो तो चाय पी कर जाओ, ज़रूर पी के जाएंगे। बैठ गए अब आप गाइस, एक वॉफल्स और मटका फ्राइज का स्टॉल पीछे था, और एक जो है ना बिल्कुल ये सामने, यहाँ पर भी जो है ना वॉफल्स मिल रहे हैं, और इसके अलावा मटका फ्राइज भी मिल रहे हैं। नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो मटका फ्राइज ट्राई करेंगे, ठीक है। और मैंने ना सुना यहाँ से मटका बिरयानी भी मिलती है, आपने सुना है कभी मटका बिरयानी खाई है, मटके में ना बिरयानी जो है ना देते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो है तरह तरह के ना डिफरेंट किस्म के खाने भी मिलते हैं, और सामने देखें गाइस ऐसा लग रहा है सामने जो रेड कलर के मटके ना औरत के सर पे जो है ना रखे हुए, लेकिन ऐसा है ही नहीं, ये जो है ना किसी चीज़ के ऊपर रखे हुए, वो देखें सामने भाई जो ना मटके उठा रहे हैं, अब पर हर जगह मटके ही मटके भाई, ये मटके गिर ना जाए जिस तरह लेके जा रहे हैं। अच्छा भाई ये ओरिजिनल मटके नहीं है मेरे ख्याल से, ये डमी मटके। पीछे देखो फातिमा, जोकर भाई को देखो, जोकर भाई जो है ना कुछ कर रहे थे, ये देखें गाइस रात को जो है ना जोकर भाई एंटरटेन करते हुए, और ये अपने मुंह से आवाज निकाल रहे हैं, ये देखो किस तरह कर रहे हैं, वाह जबरदस्त यार। वाओ भाई टांगे भी उठा रहे भाई, ये तो देख रहे हो फातिमा, लग रहे हैं कि रात के 4:30 हो रहे हैं। हाँ टाइम तो हमने देखा नहीं, इस वक्त टाइम हो रहे हैं 4:34 और 5 बजे ना अजाने हो जाएंगी। भाई साहब कब आएगी हमारी चाय, लगता है हमारी चाय जो है ना डाल रहे हैं, अब जल्दी से चाय आ जाए ताकि हम चाय पिए, उसके बाद पानी शानी भी पी लें, क्योंकि अजान से 5 मिनट पहले ना हमने जो ना नियत कर लेनी है, अम्मी कहती है अजान से 5 मिनट पहले जो ना नियत कर लिया करो, तो इसलिए जो ना उसी असूलों के मुताबिक हमें जो ना 5 मिनट पहले पानी चानी पी के ना। चलें जी हमारी गर्मा गर्म मटका चाय आ गई है, और गाइस ये वाकई जो ना बहुत गर्म हो रही है, टिश्यू से कैरी करो ना तभी कैरी हो रही है, अगर यहाँ से कैरी करो ना तो काफ़ी गर्म है, तो वापस जो ना नीचे रख रहा हूँ मैं, तो यहाँ से कैरी कर लेते हैं, उन्होंने तभी टिश्यू दिया ताकि हम जो ना इसे कैरी कर सकें। चेक करो कितनी गर्म है, हाथ लगाओ, नहीं। ओए गरम है भाई, क्या हो गया, नहीं है गरम। पी के दिखाओ हाँ कैसी है, टेस्ट कैसा है, अच्छा है। तो गाइस इसे मीठा कम लग रहा है, मैं ट्राई करता हूँ, सही तो है। अच्छा जी अभी हम चाय एंजॉय कर रहे थे, तो ये भाई आए कुछ बेचने के लिए, क्या क्या बेच रहे हो यार, लेजर लाइट है, गाड़ी है लेजर लाइट है, और एक और चीज़ है जो हमने खरीदी है वो हम दिखा नहीं सकते, वो जरा आपने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दी है, हमें भी डरा दिया, आपको डर लगा था, हाँ अचानक से आके जो ना वो चीज़ रखी ना तो हमें डर लग रहा था भाई कि वाकई ओरिजिनल है, तो उस चीज़ से ना हम प्रैंक करेंगे, अभी दिखा देंगे ना सबको पता चल जाएगा, वो जो ना डराने के लिए अच्छी चीज़ है। हाँ चलो भाई कोई डिस्काउंट वगैरह दोगे नहीं दोगे, नहीं डिस्काउंट नहीं दोगे, अच्छा फुल कीमत लोगे,
चलो यार ये लो आपकी फुल्की बन, 200 सही है। थैंक यू यार। ओके आपके पास वो आखिरी आइटम था ना, अगर आपका वो आइटम अभी दिखा दूंगा ना तो वो वीडियो में देख लेंगे और जिनको डराना है ना उनको पता चल जाएगा, सही है, तो इसलिए मैं दिखा नहीं रहा, बाकी बहुत ज़बरदस्त आइटम है। थैंक यू यार, नेक्स्ट व्लॉग में ना आपका आइटम जब मैं डराऊंगा ना तब दिखाऊंगा सबको, सही है। ओके शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। 2 hours later गाइस चाय पी रहे थे तो उसके बाद हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया था और जिसकी वजह से ना हम जो है ना काफ़ी परेशान हो गए थे और इस परेशानी के आलम में ना हमारी हेल्प किए शाहरुख भाई ने और ये हम जो है ना बंस रोड से आए सिविल हॉस्पिटल की साइड रात के बज रहे 5 और सीन ऐसा हुआ था कि हम जो ना चाय पी रहे थे और चाय पीते पीते हमें पता नहीं चला कि हमारा वॉलेट जो है ना कोई उठा के लेके गया और हमें उसे ढूंढते ढूंढते ना हालांकि हमारी वीडियो में भी वो कैप्चर हुआ है और उसे ढूंढते ढूंढते हम आए सिविल हॉस्पिटल के पास। तो इन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की शाहरुख भाई और इन भाई ने। आपका नाम क्या है भाई? रजा भाई। बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख भाई आप हमारे लिए यहाँ पर आए, अगर आप नहीं होते ना मेरा वॉलेट तो मिलता ही नहीं भाई। ये सब अल्लाह के काम होते हैं यार, ये अल्लाह पाक करवाता है सब हमारी वही। अगर हम लोग फौरन एक्शन नहीं लेते ना, फौरन नहीं लेते तो फिर ये समझ लो आपको नहीं मिलता, नहीं मिलता। ये गया था, चले अल्लाह ने बेहतरी की थी, अल्लाह पाक जो काम करता है अच्छा करता है, अच्छा करता है, बेहतरी के लिए करता है। और ये मेरे लिए भी एक नसीहत है, नसीहत है आपको कि आप इस तरह जो ना कभी सामान रख के नहीं बैठेंगे। मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है ना तो इंशाल्लाह ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम होगा। लास्ट टाइम है, कोई बात नहीं, आपको आगे के लिए जो बड़ा काम हो रहा होता है ना अल्लाह पाक छोटे में टलवा देता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आपको एक सबक छोटे में देकर उन्होंने बता दिया, एक जो ना एक्सपीरियंस हो गया और मेरे लिए सबक हो गया। चलें बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। चाय का जो है वो मेरा ही है। अच्छा आपका स्टॉल है? अच्छा अच्छा अच्छा, वो सब मैं चस्का पा। चाय बहुत मज़ेदार थी और आपकी सर्विस भी मज़ेदार थी और बहुत शुक्रिया आपका। एनी टाइम हम हाजिर हैं, कोई और भी काम हो हम हाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी, अभी जहाँ से हमने चाय पी ना वो इनका ही जो है ना स्टॉल था चस्का पार्टी के नाम से, बंस रोड पर लोकेटेड है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, काफ़ी टाइम भी हो गए, घर पहुँचते हैं। चलें शाहरुख भाई अल्लाह हाफिज़। वेल जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम घर सही सलामत पहुंच चुके हैं। चलो दरवाज़ा बंद, आप सुकून में हो ना? आप परेशान तो नहीं हो ना? नहीं, नहीं हो नहीं। पक्की बात है? पक्की बात है। चलो आ जाओ। मेरी प्यारी बेगम जो ना पूरे रास्ते गए रोते हुए आ गए। रो क्यों रही थी? हाँ डर लग रहा था किस चीज़ का? किस चीज़ से डर लग रहा था? हमारा वॉलेट तो मिल गया था और हम जो ना सही सलामत थे, अब क्यों डर रही थी? और आप क्या गई थी जाते हुए? आपका दिल घबरा रहा था? अच्छा मैंने आपको नहीं बताया था ना? आपने मुझे नहीं बताया कि आपका दिल घबरा रहा है? तो गाइस सब कुछ ठीक ठाक था, हमने खाना खाया, उसके बाद जो ना हमने चाय पी, लेकिन जो ना ये इंसिडेंट होना था, एक सबक मिल गया कि नेक्स्ट टाइम अगर कहीं भी जाओ ना तो अपने माल सामान की हिफाजत करनी चाहिए, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करता। तो एक बहुत बड़ा लेसन मिल गया है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह केयरफुली अपने सामान की जो ना देखभाल करनी होगी, ताकि जो आज हुआ है वो फिर से रिपीट ना हो। बाकी गाइस अभी ऊपर चलते हैं और आज मुझे ऑफिस शाम में जाना है, मतलब 4 बजे जाना है, सुबह की शिफ्ट नहीं है, इवनिंग शिफ्ट है 4 से 12। तो इसीलिए अभी आराम से मैं नींद पूरी करूँगा और दोपहर में उठूँगा, फ्रेश होऊंगा, फिर जो ना ऑफिस के लिए रवाना होऊंगा 4 बजे। तो गाइस ये गेट खुला हुआ है, मेरे ख्याल से छत पे कोई है, कुछ छत पे है, मम्मी तो नहीं है? देखें ऊपर सोचिए, अच्छा ऊपर चल के देखें कौन है, ठीक है मेन गेट खुला हुआ है, छत का गेट भी ओपन है, तो मम्मी होंगी या भाई भाभी होंगे। खाला इस वक्त छत पे मौजूद है, अकेले नमाज अदा कर रही हैं। कर ली है नमाज अदा? अच्छा इस वक्त हवा मज़ेदार चल रही है ना? हाँ जैसे ही आए ना ऊपर तो आइडिया हो गया गाइस, बहुत ही मज़ेदार हवा चल रही है। चाँद देखें गाइस, चाँद जो है ना अभी आधा हो गया है, जैसे जैसे रमज़ान ख़त्म होने वाले चाँद छोटा होते जा रहे हैं। चले खाला आप हवा इंजॉय करें, हम जाते नीचे, ठीक है? हाँ खाला कह रही हवा मुझे बहुत ही मज़ेदार लग रही है, ठंडी ठंडी। अच्छा तो गाइस इस वक्त अम्मी भी जाग रही थी और अम्मी को भी जो ना हम वाकया बता देते हैं। अम्मी आज जो मेरे साथ हुआ ना लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है और जो ना मुझे काफ़ी जो ना बड़ा सबक भी मिला है। क्या पता है क्या हुआ है? हम जो है ना सैरी करने गए, सैरी करके जैसे
निकले सामने जो है ना एक स्टॉल था, वहाँ से हमने चाय पी, वहाँ पर चाय पी और जो है ना मैं वीडियो बना रहा था, तो वहाँ पर जो है ना बच्चा आया और बच्चे से मैंने कुछ चीज़ परचेज करा था, तो कोई और बच्चा आया, सही है, उस बच्चे ने ना मेरा वॉलेट उठाया और लेके भाग गया। फिर अब अजान होने से कोई 15 मिनट पहले ही वाक्य हुआ है। फिर क्या हुआ, जिस बच्चे से मैं चीज़ ले रहा था ना उस वक्त ना मैं उसकी वीडियो बना रहा था ना, तो वो बच्चा वीडियो में आया, उस बच्चे ने ना मतलब के वीडियो में दिखा, उस बच्चे ने वीडियो में जो है ना मतलब मेरे टेबल पे मतलब ये तो नहीं दिखा वॉलेट उठाए, फिर टेबल की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर जो है ना वो वहाँ से गायब हो गया। मेरे शुक्र उसी वक्त याद आ गया कि मेरा वॉलेट जो ना फ़ौरन जो है ना मुझे मैंने देखा वॉलेट नहीं था, तो मुझे याद आया, तो फिर मैंने वीडियो देखी, वो बच्चा सब वहीं थे लेकिन वो बच्चा नहीं था। फिर जो है ना बहुत दूर एक जगह सिविल हॉस्पिटल, बंस रोड थे हम, सिविल हॉस्पिटल गए, सिविल हॉस्पिटल में जाके हमारे साथ जो स्टॉल का जो ऑनर था ना वो भी हमारे साथ गया, वहाँ पर जाके हमने जो ना उस बच्चे की शनाख्त की, वीडियो में ना उसकी पिक्चर थी तो वो पिक्चर दिखाई, वहाँ पर जाके उस बच्चे को शनाख्त की और फिर जो ना फाइनली मेरा वॉलेट मिल गया। तो ये वॉलेट मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें ना गाइस ये देखें, ये सारे कार्ड जो ना मैंने अलग अलग जगह पे रखे हुए थे, ये जो ना कुछ यहाँ रखे हुए थे, कुछ यहाँ रखे हुए थे, कुछ यहाँ रखे हुए थे, ये सब जो ना एक ही जगह किए हुए थे। हाँ शुक्र है मम्मी मिल गया। हाँ पैसों का मसला नहीं था असल कार्ड, असल होते हाँ इसमें जो कार्ड थे ना उनका बड़ा रोला पड़ गया था। मेरा कार्ड गुम हुआ था, ये एटीएम कार्ड मेरा भी बड़ा मसला हो गया था, मैंने बंद करवाया था, फिर महीने के बाद मिला तो फिर उन्होंने कार्ड को ब्लॉक करवाओ और फिर ब्लॉक करने के बाद है ना, तो भाई ये मेरे साथ ना फर्स्ट टाइम हुआ है और जो ना बहुत बड़ा सबक मिला है। वैसे आप मैंने देखा वीडियो में आप जहाँ भी जाते हैं ना कोई बच्चा आ जाए चाय देने के लिए कुछ उनकी बनाने लग जाते हैं, मगर अब मुझे ना मुझे नहीं आइडिया था ना ऐसा होगा, अब मुझे तो आइडिया नहीं था ना, लेकिन जो ना ख्याल रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। खैर मैंने उस बच्चे को कुछ कहा नहीं, बस मैं गया वहाँ से जो ना अपना, कैसे मिला, मैंने वीडियो बनाई थी ना उस वीडियो में ना उसका जो ना चेहरा आ गया था, वो मेरे टेबल की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। नहीं वो तो सही है, तो बच्चा मिला कैसे वहाँ, ओनर को पता था कि वहाँ नहीं, वो जो ओनर था ना स्टॉल का उसने कहा ये बच्चे यहीं घूमते रहते हैं, तो अब जो ना इनकी एक जगह होती है जहाँ पर जो ना जाके सो जाते हैं, अच्छा, फुटपाथ सोया हुआ था, वहाँ पर गए हम, जैसे गए ना इस बच्चे ने हमें देखा और बोला मैंने तो शक्ल पहचान ली थी इस बच्चे की, मैंने पैसे नहीं उठाए, मैंने पैसे नहीं उठाए, बच्चा था उसने सीधा आके यही बोला मैंने पैसे नहीं उठाए, हमने बोला हमने आपसे पूछा आपने पैसे उठाए, हाँ। फिर क्या हुआ, फिर वो घबरा गया होगा, उसके साथ और भी बहुत लोग थे ना और तो पैसे वैसे सब निकाल लिए थे, किसी ने कार्ड किसी से मिला, पैसे किसी से मिले, वॉलेट किसी से मिला, तो फिर जो ना जिसने मेरी हेल्प की उसका मैंने शुक्रिया अदा किया और बच्चे को कुछ पैसे दिए। अच्छा उसको इस काम करने में मैं सपोर्ट करूँ, पैसे नहीं, नहीं सपोर्ट नहीं करने, मगर उसने उठाए जो थे वापस तो कर दिए ना, लेकिन गलत काम किया था ना, हाँ गलत तो किया, तो इस गलत चीज को मैं सपोर्ट करूँ उसको पैसे दूँ, मैं ये नहीं कह रही, मैंने उससे कुछ नहीं कहा कि वो बच्चा था, रात को इस टाइम गेयर ना करो, इस टाइम सन्नाटा होता है, नहीं रौनक थी पूरे बंस रोड पे, फैमिलीज घूम रही थी। अच्छा अच्छा हमें देख के ना और भी फैमिलीज रुकी और जिन्हें पूछा भाई क्या हो गया क्यों परेशान घूम रहे, तो मैंने उन्हें बताया, बोला अल्लाह, बोला बच्चे ने किया, बोला हाँ बच्चे ने किए, तो मुझे जो ना फौरन जो ना उस वक्त दिमाग में आ गया कि यही बच्चा जो ना यहाँ पर नजर नहीं आ रहा और वीडियो में भी मेरी टेबल की तरफ हाथ बढ़ाते। खैर गाइस मैं जो ना बच्चे की पिक्चर वगैरह कुछ भी नहीं लगाऊंगा और उसे हाईलाइट नहीं करूंगा, लेकिन जो मुझे ये सबक मिले ना ये आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, तो ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि ये जो है ना आप सबके साथ भी ना हो, क्योंकि कभी भी बाहर जाओ टेबल पे आप बैठो तो अपने सामान की हिफाजत करें, मैं नहीं करता था लेकिन अब से इंशाल्लाह मैं जो है ना अपने सामान की टेक केयर करूंगा। ये आपका दूसरी दफा वाक्य हुआ है, पंजाब जब जा रहे थे उस वक्त भी तो हुआ था आपके साथ, पंजाब जब जा रहे थे कब हुआ था, जब गाँव गए शादी के लिए जा रहे थे, हाँ लैपटॉप भूल गए थे, लैपटॉप भूल गया था, हाँ वो तो लैपटॉप मैं खुद ही भूला था ना, लैपटॉप उठा के ऐसे सामने नहीं रखनी चाहिए कोई भी चीज़, तो भाई अब तो परेशान नहीं हो, सामान मिल गया हमारा, नहीं डर लग रहा है, अच्छा डर लग रहा है, ये पूरे रास्ते ना रोते हुए आइए, क्यों बस इसको डर लग रहा था, ख्याल क्या करो बेटा आज का हालात बहुत खराब है, मैं आपको पता जब मैं जा रही थी ना मुझे नहीं दिल नहीं कर रहा था जाने को, मेरा दिल घबरा रहा था उस टाइम, रात भी ये जल्दी सो गई थी, मेरा दिल जो है ना जब भी बोलते ना सच बोलते है, आप मुझे बता देती अगर आपका दिल घबरा रहा था हम नहीं चलते, हाँ हम नहीं चलते, हाँ अब मैं पता क्या मंगा लेना था, अभी दरअसल मैं ना ऑफिस से 11 बजे आया ना
तो ये जो ना इसकी मुझे थोड़ी सी तबीयत डाउन लगी क्योंकि जो ना अफ्तारी करके सो गई थी। हाँ, अफ्तारी करके इसने हाँ, बोला आपने बोला कि वो सो रही है। मैंने बोला सो जाओ। हाँ, तो ये सो रही थी और मैं जो ना जब उठी 11-12 बजे थे और जो ना मैंने बोला इसका माइंड फ्रेश हो जाएगा, बाहर चलते हैं सैरी भी कर लेंगे। अरूसा वाले आए थे, हमने इनको नहीं इसको नहीं जगाया। हाँ, मैंने देखा ये सो रही थी ना, तो फिर लाइट भी नहीं थी तब, तो मैंने फोन कराया कि हम आ रहे हैं, अम्मी को बोलो हम आ रहे हैं। मैंने बोला अच्छा, फातिमा को नहीं पता अरूसा वाले आ रहे हैं, मतलब आए हुए हैं फातिमा, इससे मैंने बताया था कि फरूसा वाले आके जा चुके हैं और इसे नहीं मालूम था। दो ढाई घंटे तो बैठे रहे। हाँ, कुल्फिया आमिर और साउथ लेकर आए। हाँ, इसे नहीं मालूम था। कुल्फिया आपके लिए भी मैंने मंगवाई थी, वकार की और आपकी। मैंने खाई थी। हाँ, मैंने बोला उनके लिए भी ले आओ, आमिर को, आमिर वैसे भी ला रहा था आप लोग के लिए। घर में सेफ होते हो, मैं इसलिए मना करती हूँ बाहर जाने के लिए। इस तारीख के टाइम के बाद भले चले जाओ, सहरी के टाइम बंस रोड इधर उधर जाना मुझे थोड़ा सा वो होता है। बाहर होते हो ना, अभी मैं फोन करने ही वाला, अभी हम ये ऑफिस से ही मैं 11 बजे आया था। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे हो जाते। चलो खैर, ऑफिस में भी हो जाते हैं मसले, तो फिर इज्जत भी तो बहुत है ना बेटा, ये भी तो है ना। चले आप सो जाए, हम भी जाते हैं। अब मेरा काम ये करना है, मैंने अमीर को बोला आज शीशे वाले को बुला के दिखा। चलो ठीक है, ठीक है, सही है, ओके। आप ख्याल रखें अपना, टेक केयर, ओके, यू टू। हाँ, मेरी बच्ची का भी ख्याल रखो, सुला दो इसको अच्छे तरीके से। लव यू, लव यू, लव यू टू, लव यू टू, लव यू। चलो अल्लाह हाफिज। मेरा बच्चा जाके सो जा, रात को पूरी रात नहीं सोया। ओके जा बेटा, जब आप दोनों घर में होते हैं ना, दोनों मेरे बेटे और बेटियां, तो मुझे ऐसे मैं रिलैक्स होके सोती हूँ। जब एक फैमिली भी मेरी बाहर हो ना, मेरा दिल ऐसे बस फोन करती हूँ बेचैनी। इसको पता है, आप भी बाहर होते हैं कितनी मुझे बेचैनी होती है। जब घर में होती हूँ मुझे ऐसे रिलैक्स होके सोती हूँ। वैसे भी आपको पता है मैं ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ, मुझे फिक्र हो जाती है। वैसे अल्लाह आप लोगों को जिंदगी दे, सबके बच्चों को अल्लाह हिफ्ज़ ईमान में रखे, उनके सबके बच्चों को भी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन। दुआ तो करती रहती हूँ। अब देखो दुआओं को नहीं चाहिए कि मेरे जना ये वॉलेट देखो आपके ऊपर। हर दफा मैं ये पढ़ के नहीं दम करती, हर सुबह तो भी करती हूँ, शाम को भी करती हूँ, हिफ्ज़ ईमान में रखने के लिए। बिल्कुल, चले अम्मी। हाँ, ओके, अभी जाते हैं, हम सोते हैं। फिर मुझे भी सुबह जाना है, ऑफिस जाना है। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़। The next day. अच्छा जी, इस वक्त 4:21 बाकी हैं, तो अभी मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है 4 बजे और रात 11 बजे मेरी छुट्टी होगी। और रात हम सैरी करने गए थे बाहर गाइस, तो मैं सोया था कोई 6:30 तक, तो मेरी आँख आज 3 बजे खुली है और फौरन से मैं रेडी हूँ और अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। खैर 21 मिनट है मेरे पास, तो ऑफिस का रास्ता कोई 15-18 मिनट का है, तो 4 बजे से पहले पहुँच जाएंगे ऑफिस टाइम से, ऑफिस पहुँचते पहले। और मिलते हैं गाइस आप सबसे ऑफिस पहुँच के। तो गाइस इस वक्त 3:53 हो रहे हैं, 7 मिनट पहले जो है मैं ऑफिस पहुंच चुका हूं। और अभी मैं आई थी छत पर, आज छत पर मैंने पानी भी डाल दिया और दाना भी डाल दिया परिंदों को, तो अभी चलते हैं नीचे। तो अभी देखते हैं दही को, तो दही जो जम चुकी है, फिर भी जरा अभी फ्रिज में। तो यहाँ पर बन रहे हैं पकौड़े, यहाँ पर मैंने रोटी बना ली है, यहाँ पर बना रहे भाभी शर्बत। सलाम, कैसी है अम्मी? और सुना तबीयत ठीक है? सब ठीक है, आज भी वो कार पे नहीं था। नहीं अम्मी, वो ऑफिस है। हमने अभी कॉल किया, हमने फोन पिकअप नहीं किया, फिर मैंने बाईस में स्विच छोड़ा था। अच्छा, हाँ मैंने बता को मैसेज किया, मैंने कहा आप आ नहीं रहे, आज भी कल भी नहीं था, आज भी नहीं आया। कहते हैं नहीं। अच्छा, नहीं अभी जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आया, नहीं वो बिजी होंगे, वो अभी शाम को 4 बजे गए ना, तो वो बता रहे थे कि आजकल बहुत ज्यादा काम हो रहा है उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से हो? जी। और सुनाया तो क्या, ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सैंडल्स घूम रहा हूँ अपनी, अफ्तारी का टाइम हो गया है पता है। जी चलो बेटा, 10 मिनट रहते हैं। अभी करते हैं किचन की सफाई और बर्तन भी वॉश करते हैं, उसके बाद लगाने वॉशिंग मशीन, तो वो भी लगाएंगे क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं, तो फिर कपड़े भी वॉश करने हैं। तो पहले किचन का काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे कपड़ों का काम शुरू। तो अभी मैंने पूरे किचन की भी सफाई कर ली, जो बर्तन थे वो भी वॉश कर लिए और नीचे से झाड़ू भी लगा दी, तो अभी चलकर लगाते हैं वॉशिंग मशीन और कपड़े वॉश करते हैं। तो वॉशिंग मशीन में मैंने पानी भर लिया है, तो अभी वॉशिंग मशीन चलाते हैं। तो अभी मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं क्योंकि वह शाम को 4 बजे गए थे, तो अभी जो है वो 12 बजे आए हैं। तो अभी खाना शाना खाने के बाद अभी मैं बनाई चाय उनके लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि मैंने भी आज चाय नहीं पी अफ्तारी के बाद, तो कपड़े मैंने सारे वॉश कर लिए हैं। तो अभी अभी चाय बन जाए, उसके बाद चाय इंजॉय करते हैं। तो चाय मैंने बना ली, तो अभी लेकर सोते हैं।
यहाँ पर जितने भी कपड़े थे वो मैंने वॉश कर लिए हैं, सारे यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं। के साथ यहाँ पर जो तीन रस्सियाँ बंधी हुई थी वो तीनों की तीनों फुल हो गई हैं कपड़ों से, तो बाकी के जो कपड़े बचे हुए थे वो मैंने यहाँ पर डाले। ये डाली है बेडशीट, क्योंकि बेडशीट जो है ना मैंने दीवार पर डाली थी, हवा तेज चल रही है तो उसकी वजह से बेडशीट बार बार नीचे गिरी थी, तो मैंने यहाँ पर चेयर पर डाल दी। हालांकि मैंने चेयर भी आगे रखी थी लेकिन उसकी वजह से बार बार गिर रही थी, तो मैंने सोचा कि चेयर के ऊपर ही बेडशीट रख देती हूँ। टॉवल भी डाल दिए और बाकी बेडशीट मैंने यहाँ पर डाल दी। अभी लाइट ऑफ करते हैं और नीचे चलते हैं। यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन भी वॉश कर ली है, और यहाँ पर जो पीलो मैंने वॉश किए थे वो मैंने यहीं पर डाले, और इसी के साथ रुमाल वगैरह थे वो भी मैंने वॉश करके यहीं पर डाल दिए, क्योंकि ऊपर जगह तो है नहीं, तो इसलिए मैंने यहीं पर डाल दिए। और इसी के साथ दो तीन बेड शीट्स थे जो मैंने वॉश कर ली थी, लेकिन ऊपर भी जगह नहीं, नीचे भी जगह नहीं, तो सुबह जब कपड़े ऊपर वाले सूख जाएंगे तो फिर हम इन्हें लेकर चलेंगे फिर डाल देंगे।